भील आदिवासी अंचल मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात के सीमावर्ती अंचल में कुछ दिनों रहकर मैंने वहाँ जो अनुभव किया है ये उसका वहाँ के अनुभव का संस्मरण है और बहुत अच्छा है। यात्रा संस्मरण से अलग है, कहानी से अलग है और कोई अध्ययन भी नहीं है, अनुभूतियों पर आधारित ही अनुभव है हमारे और इसलिए कुछ अलग है। कहानी संग्रह है, चार कहानी संग्रह हैं। पहला था जाने किस बंदरगाह पर, फिर है धूप ताप कहाँ से कहाँ, और आखिर था नदी नहा रही। बहुत आराम से लिखता हूँ, कोई बहुत जल्दी होती नहीं है, प्रकाशन में वही रफ्तार है। छत्तीसगढ़ के 100 से अधिक कवियों का एक वृहत संकलन संचयन उसका संपादन किया, कविता छत्तीसगढ़। पत्रकारिता में भी कुछ है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पुरोधा कहे जा सकते हैं मायाराम सुरजन जी, उन पर एक मोनोग्राफ है, बच्चों के लिए भी लिखा है, भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा। यात्रा संस्मरण लिखे खूब, अभी संकलन प्रकाशित होकर नहीं आया है, राजकमल के पास पड़ा हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी 10 राज्य आ गए हैं उसमें। सूर्य का जला हुआ कर्ण उसका शीर्षक है। इतना फैला कर रखा है मैंने अपने सारे काम, अभी तो मेरी प्राथमिकता है कि पहले सबको समेटा जाए। बड़ी दिक्कत है कि अभी तक मेरा अपना कविताओं का संकलन नहीं आ पाया है और मेरे मित्र नाराज हैं इस बात को लेकर, क्यों नहीं आ रहा है। लेख तैयार करना है उसको, उसके बाद कहीं जाकर उपन्यास पर काम शुरू करूंगा। ये है कुल, केवल लिखने तक मैंने अपने को सीमित नहीं रखा है। मेरा ये मानना है कि साहित्यकार अगर है तो उसको अपने समय के कलाकारों दूसरे साहित्यकारों की भी जानकारी होनी चाहिए, कला रूपों की जानकारी होनी चाहिए। असल साहित्यकार मन से होता है, केवल टेबल पर बैठकर लिखने से नहीं होता है, उसके भीतर भावनाएं होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, नया देखने की क्षमता होनी चाहिए। मैं यात्राओं में भरोसा करता हूँ क्योंकि यात्रा बहुत कुछ देते हैं और सामूहिकता में भी मेरा विश्वास है। बहुत अकेले यात्राएं की, इन दिनों सामूहिक यात्राएं कर रहा हूँ। एक बड़ा अनौपचारिक समूह तैयार हो गया है रचनाकारों का, देश भर के साहित्यकार हम किसी एक मौसम में किसी एक जगह मिल जाते हैं, आपसदारियाँ विकसित कर रहे हैं अपने आपस में, प्रकृति के साथ साहचर्य हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ आपसदारियों से मिलते हैं। इसलिए इस समूह का नाम ही हमने कर दिया है नामकरण आपसदारियाँ। लगभग सभी राज्यों के लोग आते हैं, शामिल होते हैं, 12 से 15 लोगों का वो समूह होता है, अनौपचारिक है और उसको हम अनौपचारिक रहने देंगे। हर यात्रा के बाद वो हमारे अनुभव लिखे जाते हैं, प्रकाशित होते हैं और बाद में हमने सोच रखा है उसको एक वॉल्यूम में हम बदल देंगे। हर 2 वर्ष में एक वॉल्यूम हमारा ऐसे तैयार होगा आपसदारियाँ का। और अभी जो सबसे बड़ा काम मेरे हाथ में आ गया है, सीवी रमन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वनमाली सृजन पीठ की स्थापना हुई है। वनमाली सृजन पीठ और पहले भी 2 बने हुए हैं, एक भोपाल में है और एक खंडवा में है। बिलासपुर का अभी शुरू हुआ है, मुझे उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इसका काम थोड़ा और बड़ा है, पूरे छत्तीसगढ़ में इस सृजन पीठ के अंतर्गत सृजन केंद्र बनेंगे। करीब करीब 12-15 दिनों की इकाइयाँ लगभग तय कर दी हैं, कुछ बाकी रह गए हैं, वो कैलेंडर ईयर तक पूरा कर लेंगे। और उसमें बहुत सारे बहुत खुला स्पेस मिलेगा काम करने के लिए साहित्य के अलावा, उसको सृजन केंद्र ही कहा है। तो सृजन के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं उन क्षेत्रों के लोगों को और उन क्षेत्र की कलाओं के सृजन रूपों के आपसी
मेल मिलाप बातचीत का सिलसिला उसमें शुरू होगा। देखते हैं कैसा चलेगा। अब इस सब के साथ मुझे अपनी रचनाशीलता को बनाकर रखना है, काम बहुत सारा इकट्ठा कर रखा है, पूरा करना है। देखते हैं कैसे हो पाएगा और कितना हो पाएगा। गति पकड़नी पड़ेगी मुझे, जो नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अकेलेपन की कुछ दिक्कतें होती हैं, मन लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा, मन लगा तो काम किया, नहीं लगा तो घूम लिया। लेकिन घूमना भी हमारे रचना अनुभव का एक हिस्सा होता है, इसलिए मैं उसको ऐसा नहीं मानता कि कोई नुकसान हो रहा है, और बस ऐसे ही चलेगा। ये वर्तमान में साहित्य के स्तर से आप कितने संतुष्ट हैं? साहित्य का स्तर तो गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, और दुनिया के हर क्षेत्र में उतार चढ़ाव आता है। जब हमने शुरू किया था तो हमारे सामने बड़े लोग थे, हमारे बाद जो लोग आ रहे हैं वो कल को बड़े होंगे, आज हम उनको शायद पहचान नहीं पा रहे, उनकी क्षमताएं, उनकी प्रतिभा। लेकिन ये बीच का समय जिसमें मैं हूँ, अपने पहले के लोगों को भी देख रहा हूँ और अपने बाद जो सामने आने वाले लोग हैं उनको भी देख रहा हूँ, इसलिए शायद मैं तटस्थ होकर उनका मूल्यांकन कर पा रहा हूँ। उनकी थोड़ा निराश भी हो रहा हूँ, लेकिन आदतन मैं निराश नहीं होता। तो मेरा मानना है कि उनको भी समय मिलना चाहिए, वो अपने को सुधारेंगे और हम शायद अपने समय जो जिन लोगों को हम देख रहे हैं कल को उनमें से कुछ बड़े लोग निकलेंगे और जिनके लेखन में हम भरोसा कर सकेंगे। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, साहित्य में घुसपैठिए बहुत सारे आ गए हैं। ये जो सोशल मीडिया ने एक स्पेस खोला है, उसका उपयोग भी हो रहा है, सदुपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है। फिलहाल तो दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, भीड़ ज़्यादा है, कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। कल को कचरा छांटने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, लेकिन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिलासपुर में डॉक्टर शंकर शेष श्रीकांत वर्मा की परंपरा को आप कैसे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? मैं नहीं, किसी को भी उस परंपरा का हिस्सा होना होगा। एक बड़ी परंपरा हमारे समय में होती जिसका हम हिस्सा होते हैं, और ये परंपरा हमसे पहले चली आ रही है तो हमारे बाद में भी होती है, और जो बाद में चलेगी हम उसका हिस्सा हो जाएंगे। श्रीकांत वर्मा की पहले भी परंपरा रही है, कोई उनसे नहीं शुरू हुआ था, जगन्नाथ प्रसाद भानु थे और उसके भी पहले में रहे होंगे जो इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं, और उस इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। हमारे यहाँ शोध कार्य जो हो रहा है विश्वविद्यालयों में बहुत ही निराशाजनक हैं, बहुत ही झूठे और बेईमानी से भरे हुए हैं। अपने नाते रिश्तेदारों पर शोध कराया जा रहा है, साहित्य पर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उनको शोध निदेशक होने का हक हासिल हो गया है सरकारी नौकरियों की वजह से। अपने नाते रिश्तेदारों पर काम करा रहे हैं जिनका कोई योगदान नहीं है। बहुत ख़राब स्थिति समय छत्तीसगढ़ में, और इसका ये होना था, मुझे मालूम था, मैं तो आगाह कर रहा था कि छोटे राज्यों के बनने के साथ कुछ उसके जो दुष्परिणाम हैं। राजनीतिक सत्ता तो हासिल हो गई, लेकिन साहित्य में नुकसान हो रहा है। और साहित्य में जो पुरस्कारों का जो चलन पड़ रहा है उसमें आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा निराशाजनक स्थितियाँ हैं, बाहर नाक कटाने वाली स्थितियाँ हैं। जिन लोगों को बड़े बड़े सम्मान दिए जा रहे हैं वो किसी सूरत में उसके लायक नहीं, उनको दे दिया है आपने। राजनीति जो गंदा खेल खेल रही है साहित्य के साथ, उसको लेकर मन में क्षोभ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए चुप है। बोलने की कोई बोलने हम बोलेंगे, कोई सुनेगा नहीं, कुछ सुधार करना नहीं है, तो बोलकर फ़ायदा क्या है। बहुत आप